मैं सड़क के किनारे गाड़ी चला रही थी, तभी मेरे बगल में जोर से बिजली गिरी। वो रात मेरे लिए पहले से ही काफी मुश्किल हो रही थी, और अब ये मुझे काम के लिए पहले से ही देर हो चुकी थी, और बारिश का मौसम मेरे लिए हालात और भी खराब कर रहा था। बाहर की गड़गड़ाहट के साथ साथ मुझे अपने खाली पेट की गड़गड़ाहट की आवाज भी सुनाई थी। मुझे याद आया कि पिछली बार दोपहर का समय था और अब आधी रात हो चुकी थी। हाईवे पर एक डिपार्टमेंटल स्टोर को ढूंढने के बारे में सोचते हुए भारी बारिश होने पर मेरी स्पीड कम हो गई। धत तेरी की, मैंने स्पष्ट दृश्य देखने के लिए कार के वाइपर को चालू किया, लेकिन सड़क के किनारों पर गहरे जंगल के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखा। मैंने रात के लिए खाना ढूंढने की उम्मीद पूरी तरह से खो दी थी, लेकिन तभी एक चमकदार बैंगनी रोशनी मेरी विंडशील्ड पर पड़ी। मैंने वाइपर की गति तेज कर दी और कुछ ही दूरी पर मैं टैकोबल की होर्डिंग्स को देख सकती थी। वहां टैकोबल का एक बड़ा सा ड्राइव थ्रू विंडो था। इस चीज के लिए भगवान को धन्यवाद देते हुए मैं वलीन में पहुंच गई। ये एक छोटा सा फूड जॉइंट था। मैंने कार को विंडो की ओर बढ़ाया और ठीक उसके पास रुक गई। मैंने इसके पास किसी को बैठे हुए नहीं देखा। मैंने कार का हॉर्न बजाया। ये क्लियर नहीं था कि ये खराब मौसम ये किसी दूसरे कारण से बंद थी। हॉर्न बजाने के बावजूद कोई भी खिड़की पर नहीं आया। भ्रमित होकर मैंने चुपके से देखने के लिए अपनी कार की खिड़की नीचे कर ली, जब एक गंजा सर धीरे से खिड़की के ठीक सामने फर्श से उठा। अजीब हरी आंखों वाला एक हठीला गंजा आदमी मुझे घूर कर बोला, क्या मैं आपको ऑर्डर ले सकता हूं मैम? वो तुमने तो मुझे डरा दिया। जीवन बहुत सारे डर से भरा है ना? इसमें कोई शक नहीं। तो क्या आपका ऑर्डर मैम? हाँ ठीक है, मैं कटा हुआ चिकन बरीटो और एक डाइट पेप्सी लूंगी। ठीक है, अपने लेट 30s में होने के कारण मेरा ऐसे बहुत से अजीब लोगों से सामना हुआ है, लेकिन इस आदमी ने मुझे एक अजीब सा एहसास दिलवाया। वो बहुत ही स्लो था और मुझे घूर रहा था, जैसे कि उसने पहले कभी किसी औरत को ना देखा हो। जब उसने मुझसे एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल पूछा तो मैंने उसे पैसे दिए। इस समय अकेले गाड़ी चलाना सेफ नहीं है, मुझे थोड़ा काम है। मैंने अपने आंसर्स को सटीक रखा। मैंने ये जताने की कोशिश की कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस आदमी को संकेत उतना नहीं समझ आया। पैसे गिनते हुए उसने फिर से पूछा, घर पहुंचने में आपको कितनी देर गाड़ी चलानी पड़ेगी? एक्सक्यूज मी, देखिए मौसम खराब है और अब किसी भी क्षण तूफान आ सकता है। अगर आप चाहो तो आप अंदर आकर कुछ देर इंतजार कर सकती हो। आपकी चिंता के लिए थैंक्स, लेकिन मैं एक मैच्योर लड़की हूँ। क्या आप प्लीज मेरा ऑर्डर मुझे जल्दी दे सकते हैं? जरूर। मुझे उसकी इस हरकत से बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने ये मान लिया कि ये बहुत ही चीप आदमी है। वो मेरे जवाब से खुश नहीं दिखा, लेकिन जिस तरह से चीजें चल रही थी उस पर पाबंदी लगाने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। उस आदमी ने मुझे घूर कर देखा, फिर वो मेरा ऑर्डर सौंपने के लिए मेरी कार के करीब आया। जब मैंने महसूस किया कि उसकी हड्डी वाली उंगलियां खाने की थैली के साथ कागज के एक छोटे से टुकड़े को अंदर धकेल रही हैं, तभी मैंने वो नोट खोली और मेरा दिमाग खराब हो गया। कागज के उस छोटे से टुकड़े में उसने लिखा था, कोई आपकी पिछली सीट पर छिपा है। मैंने तुरंत उसकी ओर देखा और उसने चौड़ी आंखों से अपना सिर हिलाया। इसलिए वो मुझे ड्राइव थ्रू के अंदर इंतजार करने के लिए कह रहा था। मैं जानती थी कि अगर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो इससे और भी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। खतरे को भांपते हुए मेरे माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। मैंने किसी तरह अपना काम संभाला और कहा, ठीक है, जाने से पहले मैं क्या आपका वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल मैम, प्लीज अंदर आ जाइए। मैं कार से उतरी और सीधे ड्राइव थ्रू के अंदर चली गई। जैसे ही मैं अंदर गई, उस आदमी ने मेरे पीछे का दरवाजा बंद कर दिया और कहा, अगर मैंने आपको असहज किया तो क्षमा करें। जब से आप यहाँ आई हैं, मैंने आपकी पिछली सीट पर किसी को लेटे हुए देखा। मैं बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। मैंने पहले उनका संकेत ना समझ पाने के लिए उनसे माफी मांगी। फिर वो आदमी पास के टेबल पर पड़ा अपना फोन लेने के लिए डेस्क के पास गया। चिंता ना करें मैडम, मैं अभी 911 पर कॉल करूंगा।
मैंने पहले ही दरवाजा बंद कर दिया है ताकि वो अंदर ना आ सके। वो आगे बढ़ रहा था लेकिन मैंने उसे पूरी बात नहीं करने दी। जैसे ही वो फ्रायर के सामने पहुंचा, मैंने उस पर झपट्टा मारा, उसका सिर पकड़ लिया और उसका चेहरा उबलते गर्म तेल में डुबो दिया। मेरे चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान खिल गई क्योंकि उसकी दर्द भरी चीखें मेरे कानों में संगीत की तरह लग रही थीं। उसे बोलने का मौका भी नहीं मिला और उसकी आंखें, नाक और मुंह टैको बेल के कुरकुरे नाचोस फ्राइज की तरह बुरी तरह से तले गए। कुछ देर बाद उसका शरीर मरते हुए पक्षी की तरह उड़ता रहा और मैंने उसे जाने नहीं दिया। मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि वो एक बुढ़ा आदमी था और मैं उससे ज्यादा ताकतवर थी। मुझे उसे मारने का थोड़ा दुख हुआ। मैं एक ताजी लाश को ठिकाना लगाने के लिए एक फंसे हुए स्थान पर वापस जा रही थी। मेरी पिछली सीट पर सचमुच कोई था? अपनी पूरी लाइफ अपने बॉयफ्रेंड को डेडिकेट करने के बाद क्या आप सोच सकते हैं कि उसने मुझे धोखा देने की कोशिश की? इसलिए मुझे अपना बदला लेना ही था। जब वो मेरे अपार्टमेंट में सामान लेने आया और एक ग्लास पानी मांगा तो मैंने उसे जहर दे दिया। अब मैं एक अच्छे स्थान पर गाड़ी चलाने, जंगल में कब्र खोदने और उसे अत्यंत सावधानी से दफनाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। लेकिन इस बुढ़े आदमी ने जितना देखना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा देख लिया था। अब मुझे एक के बदले दो लाशों को फेंकना होगा और जाने से पहले सारे सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने होंगे। हो सकता है कि अखबार के कुछ दिनों या हफ्तों में लापता लोगों की दो कहानियां छपें और पुलिस इसकी जांच करे, लेकिन मैं बहुत अच्छा झूठ बोलती हूँ और मैं एक पागल साइको हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं खुद को इनोसेंट कैसे प्रूफ कर सकती हूँ और मैं इससे कैसे बच सकती हूँ।